सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। हमारा व्यवहार ही हमारा प्रतिबिंब है। यदि प्यार चाहते हो तो प्यार देना पड़ेगा, सम्मान चाहिए तो सम्मान देना पड़ेगा और विश्वास चाहिए तो विश्वास करना पड़ेगा। चुनौतियां ही जिंदगी को रोमांचक बनाती है और इसी से आपके जिंदगी का महत्व निर्माण होता है। विपत्ति हीरे की धूल है जिससे परमात्मा अपने रत्नों को चमकाता है। आज का पंचांग 14 जून 2020 देर रविवार, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि, रात्रि 3:19 तक रहेगी। इसके उपरांत दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर भाद्रपद नामक नक्षत्र रात्रि 12:22 तक रहेगी। इसके उपरांत रेवती नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय शाम 5:22 से 7:03 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात शुभ समय सुबह 11:54 से 12:45 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रात्रि 12:01 तक रहेगी। इसके उपरांत मिथुन राशि पर संचार करेंगी। कन्या राशि 14 जून 2020 देर रविवार, अनुभव सबसे बड़ा अध्यापक है और अभी आपको इसे से सीखना है। भूतकाल से ली हुई सीख की उपेक्षा ना करें ताकि भविष्य की परेशानियों से बच सकें। जरूरतमंदों चाहे बच्चे हो या बूढ़े उनकी मदद करें, ऐसे करने से ही आप सही रास्ते पर चल पाएंगे। आपको अभी इस पर चलने में कोई भी परेशानी आ सकती है, चाहे आपको अभी इस पर चलने में कोई भी परेशानी आ रही हो। काफी समय से आप जिस काम को करने के प्रति प्रयासरत थे आज उस काम को शुरू करने का बेहतर समय है। विद्यार्थियों को प्रतियोगिता संबंधित किसी कार्य में सफलता मिलेगी, साथ ही कोई उपलब्धि भी मिल सकती है। आज के दिन आपके लिए विशेष हो सकता है, कोई ऐसी सफलताएं आपको मिल सकती है जो दूसरों के लिए प्रेरणा का काम करेगी। आपको अपने कामों को पूर्ण नियंत्रण रखना होगा, इससे आपको काफी लाभ मिल सकता है। इसके लिए आप कुछ रिसर्च भी करेंगे, अपनी कुशलता से धनार्जन करते रहेंगे। अगर आप करियर में किसी तरह के परिवर्तन पर विचार कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए श्रेष्ठ है। श्रद्धानिया, किसी दोस्त या चचेरे भाइयों से मनमुटाव की स्थिति बन सकती है जिसकी वजह आपका ही किसी बात पर अधिक तर्क वितर्क करना हो सकता है। अतः फालतू की बहस में न उलझकर अपने काम में ध्यान लगाएं तो बेहतर रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो दिन की शुरुआत अच्छी होगी। आपके किसी संबंध में आपके पार्टनर की खुशी और रहस्य की रौनक बिखरी रहेगी। आपने अपने निजी जिंदगी में मुश्किल दौर देखा है, इसलिए अब आपको अपने पार्टनर के साथ घूमना फिरना और उनके साथ होने का आनंद लेना चाहिए। एक कपल के रूप में खुद पर एक साथ हंसने से आपकी सारी चिंताएं एक साथ गायब हो जाएगी। अगर साथी के साथ किसी तरह की गलतफहमी है तो आज आपके मन मुटाव दूर हो सकते हैं, जो अच्छा रहेगा। परंतु गलतफहमी की वजह से जीवन साथी के साथ भी संबंध में मतभेद पैदा होंगे, इसीलिए इस गलतफहमी को बैठकर बातचीत करके सुलझाने की कोशिश करें। करियर की बात करें तो आज पेशवर मामलों में आपको एक भाग्यशाली व्यक्ति से समर्थन मिल सकता है। उस व्यक्ति के साथ काम करते हुए अपनी काम के माध्यम से उसे प्रभावित करने के लिए कोई भी कसर न छोड़ें। आप एक पदोन्नति या वेतन वृद्धि को प्राप्त करने के लिए सीढ़ी चढ़ रही हैं। दूसरों से इसके बारे में बात करने से बचें, बस अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। आपका काम ही आपके बारे में बोलेगा। सेहत की बात करें तो दिन की शुरुआत असाधारण होगी, लेकिन आप कई दिनों से नियम पूर्वक जो योग कर रहे हैं उसका असर स्पष्ट दिखाई देगा।
दिन के आखिरी तक आप खुद की आध्यात्मिक मानसिक परत से जुड़ सकते हैं। बहुत ज्यादा दवाइयाँ ना खाएं, इससे आपका लीवर प्रभावित हो सकता है। आज का उपाय, आज आप घर में गाय के घी का दीपक जलाएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।